आज हमारे साथ उपस्थित है साधना तिवारी जी एवं उनके बेटे गौरव तिवारी जी। नमस्कार गौरव जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर जी। क्या समस्या थी माता जी को? भाई माता जी चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही थी उनको जी, तो इनका ट्रीटमेंट नागपुर में भी चला, इंदौर में भी चला और भोपाल में भी चला। अच्छा, वहाँ ठंड के टाइम इनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। माता जी बिल्कुल बेड पे थी आपकी? माता जी पूरी बिस्तर पे आ गई थी, मतलब टॉयलेट और लेट बाथ भी बिस्तर पे ही हो रही थी जी। फिर मुझे यहाँ पता पड़ा कि आपके द्वारा भी ये जो दिया जाता है दवाई वगैरह या चिकित्सा की जाती है आपकी जी, तो यहाँ से मैं कुछ दवाई लेके गया। एक महीने में थोड़ा अंतर पड़ा, फिर दो महीने बाद फिर अंतर पड़ा, फिर तीसरे महीने बाद माता जी चलने फिरने लग गई थी जी। उससे हमको ये फायदा हुआ कि यानी आयुर्वेदिक जो नुकसान भी नहीं करती हैं जी, तो आयुर्वेदिक से फायदा था जी। अब माता जी बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती? बढ़िया भी है, और माता जी हमारी डिप्रेशन पेशेंट भी हैं, तो ये डल वगैरह रहती थी मम्मी जी, उससे अब थोड़ी सी एक्टिव है माता। अच्छा, इनको पेट की समस्या भी रहती थी, वो भी इनके ठीक है? हाँ, पेट ठीक है, पेट अच्छा साफ हो जाता है जी जी जी। अब तो बढ़िया चलना फिरना सब सब काम बढ़िया रहता है, अपना काम स्वयं ही करती है? स्वयं ही करते हैं जी। माता जी आ जाइए, आप आ जाओ, आ जाइए आप। जैसा जी माता जी पिछले दो तीन महीने से बेड पे थी और आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने के बाद अब माता जी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और चलना फिरना इनका वापस स्टार्ट हो गया है। इनको गैस और पेट की जो तकलीफ थी वो भी इनकी साल में अब माता जी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसके लिए गौरव जी आयुर्वेद के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक पद्धति पे आप आइए, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और किसी तरह का शरीर में कोई नुकसान नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि सभी लोग आयुर्वेद से जुड़ें और लोगों को भी इसके बारे में बताएं और डॉक्टर साहब से परामर्श लें। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी।